धन्य होते हैं वो प्राणी जो मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि को स्पर्श करते हैं। भगवान सर्व जगत में व्याप्त हैं, परंतु आवश्यकता है एक ऐसी दिव्य दृष्टि की जो भगवान के माया रूप को पहचान सके। चाहे मथुरा वृंदावन हो या द्वारका, भगवान की माया हर स्थान पर विराजमान है, परंतु अज्ञानवश भक्तगण अलग अलग स्थानों में उनके दर्शन के लिए भटकते रहते हैं। चाहे आम इंसान हो या फिर भगवान की प्राण प्यारी राधिका, सभी के मुख में एक ही प्रश्न होता है, किसी ने मेरा श्याम देखा? द्वारकापुरी की यात्रा करने वाले भक्तों के लिए नगर पालिका की ओर से बसों के अलावा निजी वाहन भी उपलब्ध हैं। सात्विक भोजन एवं ठहरने के लिए धर्मशालाएं तथा होटल की भी यहां उत्तम व्यवस्था है। इस छोटी सी नगरी में मनोरंजन के बेहतर साधन भी हैं। कहते हैं कलयुग में जो भी प्राणी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन के आरंभ के दिन तथा ज्येष्ठ आषाढ़ एवं पौष मास की द्वादशी को गोमती और समुद्र के संगम में स्नान करके द्वारकाधीश की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जिस घर में द्वारकापुरी की तुलसी विराजती है, उस घर में काल संकट भी प्रवेश करने से डरता है। जहां 16 कलाओं से संपन्न भगवान ने स्वयं वास किया हो, उस पावन द्वारकापुरी को बारंबार प्रणाम करते हुए आइए अब हम सब कहें, मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणार विंद, गांव बारंबार श्री वल्लभ के चरणार विंद, जय द्वारकाधीश। मेरो